राज्य में प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ पेरेंट्स एसोसिएशन और अभिभावकों ने कैथल में लोगो सचिवालय में जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया। बोले जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा वही बैठे रहेंगे। पत्रकारों से बात करते हुए अभिभावकों ने बताया कि कोरोना काल से लेकर सरकार लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं की है, परंतु स्कूल मनमाने फीस वसूलने में लगे हैं। इसके लिए उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट का आदेश आया कि स्कूल केवल ट्यूशन फीस फॉर्म 6 के तहत ले सकते हैं, इसके अलावा कोई अलग से चार्ज नहीं लिया जाएगा। बच्चों को स्कूल में पढ़ने से नहीं हटाया जाएगा, न ही पेपर देने से रोका जाएगा, परंतु स्कूल इस आदेश को नहीं मान रहे। इसी से नाराज होकर अभिभावक कई बार प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं, परंतु कोई कार्यवाही नहीं हो रही। कैथल से विपिन शर्मा का रिपोर्ट। प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है? हाँ जी, प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है? प्रदर्शन स्कूलों के खिलाफ किया जा रहा है। ये हमसे फॉर्म 6 से ज़्यादा फीस डिमांड कर रहे हैं। दूसरी बात, अभी आज बच्चों के सबके एग्ज़ाम्स क्लियर हुए हैं तो सबके रिजल्ट्स आने हैं। जिनके एनुअल चार्जेस नहीं दिए हुए हैं उनसे वो डिमांड कर रहे हैं कि आप पहले एनुअल चार्जेस जमा करवाएँ, तभी हम आपको रिजल्ट क्लियर करेंगे। तो अभी पिछले कल एनुअल चार्ज क्यों नहीं देना चाहते आप? एनुअल चार्ज गवर्नमेंट की रूलिंग के अकॉर्डिंग हम एनुअल चार्ज नहीं देना चाहते। जो गवर्नमेंट की रूलिंग है हम उन्हीं के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। हमें कोई नजायज़ फीस नहीं देनी है। हम जायज़ फीस दे रहे हैं, हमारी फीसें बिल्कुल गई हुई हैं प्रॉपर। जो मंथली फीस इन्होंने 6 फॉर्म में शो की हुई है वो हम दे रहे हैं। हाई कोर्ट का क्या फैसला आया? हाई कोर्ट का यही फैसला आया है कि फॉर्म 6 के जितनी आपने स्कूल वालों ने फॉर्म 6 में फीस शो की है सिर्फ उतनी ही फीस मान्य है, उससे ज़्यादा नहीं। कई मामला विचाराधीन भी आपका? विचाराधीन नहीं है। FFRC में करनाल से हमारे पास ऑर्डर है, DO कैथल से हमारे पास ऑर्डर है, बट ये ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, ना ही ये मान रहे हैं किसी की भी। चाहते हैं यही चाहते हैं कि हमें आपके चैनल के माध्यम से हम सिर्फ यही चाहते हैं कि प्रशासन हमारी बात को सुने और इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करवाए, ताकि जितने भी पेरेंट्स यहाँ पे बैठे हैं जिनकी फीसें एडवांस में गई हुई हैं एनुअल चार्जेस उनको एडजस्ट किया जाए, और जिनके रिजल्ट्स नहीं दिए गए उनके रिजल्ट्स दिए जाएं, और जिनके एडमिशन्स खासकर कि जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेरा ब्रदर भी आज स्कूल गया था उसको एडमिशन नहीं लेने दिया, उनको ये बोला है कि हम आपको स्कूल में एडमिशन नहीं देंगे। हमें बोला कि हमें लिख के दे दीजिए, आप हमेशा हमारा एडमिशन नहीं लेते हैं, हमने SLC की डिमांड नहीं की है। राजेश गोयल। राजेश जी, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? जैसा कि हाईकोर्ट का आदेश है कि पिछले साल से मतलब फीस एनुअल फीस बंद कर दी गई है, तो उसके बावजूद भी स्कूल ले रहे हैं, हाईकोर्ट का फैसला है। और हमने तो कल देखा है कि शहर के अंदर हाईकोर्ट के फैसले के नाम पर लोगों के चलते चलते काम बंद किए गए हैं, दुकानें तोड़ी गई है। तो अगर ये DO साहब प्रशासन हाईकोर्ट का फैसला लागू नहीं करवा सकता तो उन्हें अपने सीटों पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। हाईकोर्ट का फैसला क्या है? हाईकोर्ट का फैसला यही है कि आप एनुअल चार्ज नहीं ले सकते और आपको मंथली फीस में ही काम करना है, और मंथली फीस की जो सीमा है 10% आप इंक्रीज कर सकते हो। कई स्कूलों ने क्या किया कि एनुअल चार्ज बंद कर दिए गए हैं, लेकिन फिर फीस का मैटर आया तो उन्होंने 2000 के जगह 4000 कर दिए, लेकिन उसमें भी 6 में लिखा हुआ है फार्म 6 में कि आप 10% इंक्रीज कर सकते हो, वो भी पेरेंट्स देने के लिए तैयार है। लेकिन जो स्कूलों की गुंडागर्दी के नाम पर मतलब जो चली हुई है, बुक्स यहाँ से लेनी है, यूनिफॉर्म यहाँ से लेनी है, केवल इनका नाई तय करना, ब्यूटी पार्लर तय करना बाकी है, बाकी सब कुछ इनका तय किया हुआ उन्होंने। एसोसिएशन के लोग आए हैं, बार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका कहना है कि स्कूल फॉरम 6 से ज़्यादा फीस वसूलने की कोशिश कर रहा है एनुअल चार्जेस के नाम पे। हाई कोर्ट के आदेश हैं, FRCS के आदेश हैं, पर कोई नहीं मान रहा है। जी, आपके माध्यम से ये मामला अभी संज्ञान में आया है, और जो बाहर जो पेरेंट्स प्रदर्शन कर रहे हैं उनके पास जाकर के मैंने ज्ञापन लिया है, और जैसे कि उन्होंने बताया है कि उनके पास हाई कोर्ट्स के भी ऑर्डर हैं कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो एक निर्धारित जो फीस है उससे ज़्यादा वो फीस नहीं चार्ज कर सकते हैं। उसके बावजूद उन्होंने पार्टिकुलर किसी भी स्कूल का नाम लिख के नहीं दिया है, ये कहा है कि प्राइवेट स्कूल्स ले रहे हैं। अगर वो पार्टिकुलर कोई ऐसा स्कूल अगर उल्लंघन कर रहा है हाई कोर्ट के आदेशों का, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए मैंने DO साहब से भी बात करी है, वो अभी थोड़ा बाहर किसी काम से स्कूल में विजिट पे गए हैं, वो अब थोड़ी देर में आते होंगे, तो उनसे इस मामले की पूरी गहनता से जांच कर करके जो भी इसमें कार्रवाई बनेगी प्राइवेट स्कूल्स के अगेंस्ट उसको करेंगे हम।